हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो, मैं शोरूम पे आ चुका हूँ अपने वर्कशॉप पे। तो इधर मैं अपनी बाइक की करा रहा हूँ सर्विस, सेकंड सर्विस आ चुकी है, 8,000 चल चुकी है ये। तो अभी ये भाई ना, मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्ट क्या क्या हमारा चेंज होगा और क्या कुछ खर्चा आएगा। भाई ने अभी बाइक का पेट्रोल, सॉरी इंजन ऑयल जो है वो निकाल रहा है। और जब तक ये निकले, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गजब की। आप एक बार ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ड्यूक 250 है, एग्जॉस्ट को देख के एक बार आप बताइए मुझे कि क्या आपकी बाइक में भी ऐसे ही एग्जॉस्ट है। अगर आपको इसके बारे में कुछ है तो आप कमेंट कीजिए। कि 8,000 के बाद कैसा एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ बताएंगे आपको एक बार। अगर एयर फिल्टर मैं दिखा देता हूँ, 8,000 के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब ख़त्म ही हो जाता है ये। कितने किलोमीटर के बाद होता है वैसे, कितने किलोमीटर चलता है? 6-7 हज़ार किलोमीटर चलता है, पर पहली के बाद तो ये 8,000 चल ही जाता है। ये भाई अपना एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर चेंज हो चुका है। ये अपना ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर भी अभी, ये ऑयल फिल्टर है, ये नया है, ये पुराना है। ये कितने किलोमीटर पे चेंज होता है ऑयल फिल्टर? अभी बस हर 7.5, मतलब हर सर्विस पे ये चेंज होगा ये समझ लो। अभी मतलब आज जो खर्चा आने वाला है वो वाकई में एक मोटा खर्चा आने वाला है। मतलब यार महंगा ही खर्चा। अभी तेल का देखते हैं। अभी भाई कुछ बताना चाह रहे हैं, ये देखो। अच्छा कुछ, अरे ये भाई ने डाल दिया इसमें तेल और ये पैक कर दिया। अच्छा, इस कैप को बंद करने की भी एक टेक्निक है, आपने देखी हो तो। अभी पूरी खाली हो रखी है ये, अगर थोड़ी सी और चला देते तो कोई दिक्कत थी क्या? ऑयल फिल्टर ब्लॉक है। हाँ, अगर आप सर्विस टाइम पे नहीं कराओगे तो आपके इंजन में वो डेफिनेटली कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। एक भाई है, उसके पास 390 है, तो उसने सेकंड हैंड ली थी, तो उसके इंजन में भी दिक्कतें आई थी। तो आप अपनी बाइक का ख्याल रखें यार। ये प्यार करने की चीज़ है, इसको प्यार से रखें, प्यार करें। जितना अच्छे से रखोगे उतना ही आपका साथ देगी, ठीक है। ये अभी भाई, ये क्या चीज़ है? ये ऑयल कैप। हाँ, ये ऑयल कैप है, यहाँ से शायद ऑयल डलेगा, यहाँ से ऑयल डल जाएगा बाइक का, आप देख सकते हो। हालांकि कोई वीडियो हो या ना हो पता नहीं, बट हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई कैसे कैसे सर्विस हो रही है हमारी। सेकंड मेनली तो ये है कि भाई क्या क्या खर्चा रहता है। ये भाई टैंकी के नीचे अपना ऑयल फिल्टर है, पेट्रोल फिल्टर, सॉरी पेट्रोल फिल्टर। देखो कैसे गंदा हो रखा है, गंदा पेट्रोल इससे निकल रहा है अब। अरे भाई, अच्छा ये फिल्टर करके भेजता है पेट्रोल को, है? ये भाई पेट्रोल को फिल्टर करके भेजता, तो अभी पेट्रोल फिल्टर चेंज हो जाएगा। इसके अंदर क्या हुआ है? क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर देखो पेपर। अच्छा, आरओ के फिल्टर हो ना उसकी तरह आ गई। ये भाई अपने तीनों फिल्टर चेंज हो गए, इंजन ऑयल चेंज हो गया, अब क्या रह गया? ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल भी चेंज होगा। अच्छा ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल। सो गाइस, बाइक अपनी हो चुकी है रेडी। अभी ये शायद से वॉशिंग के लिए जा रहे हैं ना, अभी जा रही है वॉशिंग के लिए।
फिर उसके बाद अभी एक बार फटाफट से अपना बिल पूछाते हैं। बाइक आप देख सकते हो पूरे वर्कशॉप में कैसे बिखरी हुई है, इसका इंजन और वो देखो कैसे, मतलब गजब ही चीज़ है। अभी वॉशिंग चल रही है, पैडॉक स्टैंड पे लगा देते, तब तक हम अपना बिल ले आते हैं, आपको बता देते क्या कुछ खर्चा रहा। सो गाइज, अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है, लगभग इसका 2200 रुपये खर्चा आया है पहली सर्विस पे, तो मैं भूल गया था एक्चुअली उधर पेमेंट देने के चक्कर में, तो 2200 का कुछ खर्चा आया, जिसमें 1600 रुपये का इसका इंजन ऑयल है और 3 फिल्टर और ये दोनों ब्रेक ऑयल, ये उन्होंने फ्री में रिफ़िल किए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई है सेकंड सर्विस पे, और थर्ड सर्विस पे इसका स्पार्क स्विच भी होगा, जो पहली मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, तो वो उस टाइम होगा, अभी नहीं होगा। तो ये कुछ था, सब कुछ था, बस वीडियो कैसी लगी वो बताइए, और आप एक बार एग्जॉस्ट को देख लीजिए, एग्जॉस्ट का बताइए आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए है, कैसे है, क्या है, आवाज़ मैं आपको तभी सुनाऊँगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डीबी कलर निकाल रखा हमने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।